जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क्याम हमारा वादा था जो पूरा किया। वज़ीरे आला पंजाब उस्मान बुज़दार, अब मकामी लोगों को काम के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। तहसील और इज़ला बनाने का फैसला मेरिट पर करेंगे। उस्मान बुज़दार की मोहसिन लगाली से गुफ्तगू। सवाबी में पुलिस मुकाबला, DSP इलामा इकबाल शहीद, एक गनमैन जख्मी। मुकाबले के दौरान मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम नसीर मारा गया। कोरोना ने मजीद 83 जाने ले ली। कोरोना केसेस में नुमाया कमी, 1,40,965 मरीज सहतियाब हो चुके। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 91,602 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना के खिलाफ बरवक्त और दुरुस्त इकदामात किए। NCOC मईशियत की बहाली, रोजगार इंडस्ट्री के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई गई। IMF ने आलमी इक्तसादी जायजे में पाकिस्तान के इकदामात को सराहा। सिविल एविएशन ने PIA के 34 पायलटों को मुअत्तल कर दिया। JIT में मुबैना रद्दोबदल, सिंध के हुक्मरानों के खिलाफ मुकदमे का इंदिया। फवाद चौधरी का कहना था कि अली जैदी की रिपोर्ट जारी करने से संगीन इल्जामात ने जन्म लिया। अली जैदी ने कुछ कागजात लहराए, हमने असल रिपोर्ट दिखा दी। मुर्तजा वहाब, सईद गनी का कहना था कि अली जैदी ने चंदे के $3 मिलियन अपने अकाउंट में डाले। मुल्क में तालीमी अदारे कब खुलेंगे, फैसला आज होगा। शफकत महमूद की जेर सदारत बैन सूबाई वर्ज़दा तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। सुबह से मुशावरत के बाद तजावीज़ कौमी राबता कमेटी को भिजवाई जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ताहा अली और आप देख रहे हैं HNN न्यूज़। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़।